अट नहीं रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी इस कविता के आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं कही है। कवि को हरे पत्तों और लाल कोमल पत्तों से भरी डालियों के बीच खिले हुए सुगंधित फूलों की शोभा बिखरी हुई दिखाई दे रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके कंठों में सुगंधित फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। कवि की अज्ञात सत्ता रूपी प्रियतम वन की शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हैं, पर अपनी पुष्पलता के कारण उसमें समा ना सकने के कारण चारों ओर बिखर रही है। कवि ने अपने मन के भावों को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है। दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि के अनुसार फागुन की सुंदरता कण कण में व्याप्त है। उनकी श्वास के द्वारा प्रकृति का कोना कोना सुगंधित है, यानी जहाँ पर फूल और पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनसे सुगंध जो आ रही है उससे प्रकृति का हर कोना भरपूर है, आपूरित है, और इसी कारण से कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाएं आ रही हैं। उनमें विशेष आकर्षण है जिनसे कवि की आँख नहीं हटती है और उसकी दृष्टि इस प्रकार से उन्हीं फूल पत्तों पर टिकी रहती है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? अथवा अट नहीं रही है कविता के आधार पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा ही नहीं पाती, अट नहीं रही मतलब समा नहीं पा रही है, इसलिए वह सब तरफ फूटी हुई दिखाई देती है। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता यानी सब जगह होने की स्थिति को कवि ने इस कविता में बताया है कि अपने परम सत्ता से प्रकृति ने कोने कोने में अपनी सुगंध को फैला रखा है। प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है और उसकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है, यानी कि जब वह कविता लिखता है तो प्रकृति के आधार पर ही सारी उसकी कल्पनाएं जो हैं वो जन्म लेती हैं और उन्हें वह शब्दों में उतार देता है। प्रकृति की व्यापकता ही उसकी हर कल्पना का कारण बन रही है और वन का प्रत्येक पेड़ पौधा इसी सुंदरता से भरकर उसे शोभा और उसके शब्दों में शोभा का कारण बनता है। प्रश्न है, अट नहीं रही के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का उल्लेख कीजिए। कवि ने बसंत में प्रकृति की शोभा का सुंदर उल्लेख किया है। ऐसा लगता है जैसे इस ऋतु में सुंदरता प्रकृति के कण कण में समासी जाती है, प्रकृति के कोने कोने से अनूठी सी सुगंध भर जाती है जिससे कवियों की कल्पना उड़ान जैसे लेने लगती है। चाह कर भी प्रकृति की सुंदरता से आंखें हटाने की इच्छा नहीं होती। नैसर्गिक सुंदरता के प्रति मन बंध कर रह जाता है। जगह जगह रंग बिरंगे सुगंधित फूल दिखाई देते हैं जिनके कारण हर स्थान शोभा से भर जाता है। प्रश्न है, अट नहीं रही में विद्यमान रहस्यवादिता को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है, निराला जी को प्रकृति के कण कण में परमात्मा की अज्ञात सत्ता दिखाई देती है, यानी उसे हर कण में ईश्वर का रूप दिखाई देता है। वह उसका रहस्य जानना चाहता है लेकिन जान नहीं पाता है। उसे यह लगता है कि प्रकृति के परिवर्तन के पीछे कुछ ना कुछ तो अवश्य है। वह ईश्वर ही हो सकता है जो परिवर्तन का कारण बनता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि निराला को प्रकृति के कण कण में ईश्वरीय सत्ता के दर्शन होते हैं। उन्हें प्रकृति के आंचल में छुपे हुए हर रूप में परमात्मा का रूप दिखाई देता है। प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का महीना मस्ती से भरा हुआ होता है क्योंकि उस वक्त प्रकृति सभी वस्तुओं को नया रंग प्रदान करती है। पेड़ पौधों की शाखाएं हरे भरे पत्तों से लद जाती हैं, लाल लाल कोपले अपार सुंदरता लगते हैं, रंग बिरंगे फूलों की बहार सी छा जाती है। इससे वन की शोभा का वैभव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। प्रकृति ईश्वरीय शोभा को लेकर के प्रकट हो जाती है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इस ऋतु में न गर्मी का प्रकोप होता है और न ही सर्दी का प्रकोप होता है। इसमें न तो हर समय की वर्षा होती है और न ही पतझड़ से ठूठे हुए वन वृक्ष। यह महीना तो अपार सुखदायी बनकर सबके मन को मोह लेता है। यह थे कविता के प्रश्नोत्तर। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।